हेलो फ्रेंड, नमस्ते। एम टेक में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को यूट्यूब का इंट्रो बनाना सिखाऊंगा, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से बनता है। उसके लिए एक वीडियो का क्लिप चाहिए आप लोगों को, तो आप यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं बिना कॉपीराइट का। तो ये मेरा यूट्यूब का है जो मैं ठीक है, तो ये मैं आज इंट्रो बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना फिल्मोरा खोल लेता हूँ। ये फिल्मोरा मेरा ओपन हो रहा है, फिल्मोरा वर्जन मेरा 8 है, ठीक है? तो ये इसको मैं नो कर देता हूँ। ये मैं फुल फीचर मोड पे क्लिक करता हूँ। तो ये मेरा फिल्मोरा ओपन हो गया। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो ऐड करता हूँ जो आप लोगों का अभी दिखाया जस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इंपोर्ट मीडिया फाइल पे जाता हूँ, ठीक है? अब मेरा जो फाइल लोकेशन है वहाँ पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे है पे मेरा। तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, जो नाम था मेरा 001 करके, उसके क्लिक करके ओपन कर दिया, ठीक है? ये मेरा यहाँ पे आ गया। इसको लेफ्ट क्लिक करके नीचे करके लाना है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वीडियो क्लिप आ गया है। यहाँ से आप जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, ठीक है? ये जूम आउट जूम इन है क्लिप के लिए। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, एक बार प्ले करके देखता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने प्ले करके देख लिया। इसके बाद मुझे टेक्स्ट का क्लिप चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडिया है, म्यूजिक है, एडिट है, ट्रांसमिशन है, फिल्टर है, बोले हैं, ठीक, बहुत सारा है। तो मुझे फिलहाल टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट पर क्लिक किया मैं, ये फिलहाल टेक्स्ट लेता लेता ले लेता हूँ कि वाइट अच्छा रहेगा थोड़ा। इसको क्लिक करके मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है? तो मैंने इसको एक डिलीट कर दिया, डबल आ गया था। तो इसको मैं क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके घिसका देता हूँ। ये मेरा यहाँ पे आ गया। इसको पे डबल क्लिक करता हूँ टेक्स्ट को एडिट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टेक्स्ट आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। तो ये टेक्स्ट को मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने के लिए मैं पहले अपना यूट्यूब चैनल का नाम दे देता हूँ, ठीक है? ये मैंने दे दिया एम, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा इसको स्टाइलिश में ले लेता हूँ। इसको थोड़ा सा उठा के इधर कर दिया मैं, और ये सब टेक्स्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? एडवांस में आके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ बाकी सबको। ये रहा है यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन, क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। अब मैं अपने एम को यहाँ पे क्लिक किया। अब इसका मैं हाईलाइट कर दिया थोड़ा सा। अब इसको धीरे धीरे करके मैं नीचे कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दिया। मैं स्ट्रोक दे देता हूँ बॉर्डर वाइट का,
वाइट का मैंने बॉर्डर दे दिया, क्लिक किया इंटर। ठीक है, अब इस पर मैं थोड़ा सा वो टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने पीछे किया, इंटर कर दिया और ऊपर पर मैं टैग लिख देता हूँ। इसको मैं कलर को चेंज कर देता हूँ, इसको मैं ब्लू डाल देता हूँ। ठीक है, ब्लू मैंने डाल दिया, इसको मैं शॉर्ट कर दिया और इसको धीरे धीरे मैं ऊपर उठा देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको मैं उल्टा हो गया, तो इसको मैं ऊपर यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ऊपर मैंने यहाँ लिख दिया, इसका कलर मैंने कर दिया लाल। इसको मैं बीच पे ले आया, इसको थोड़ा सा उठा दिया मैं। ठीक है, इसके बाद मैंने ओके क्लिक कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ एक बार प्ले करके। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर बन गया आपका लोगो। तो इसको मैं थोड़ा सा कटिंग कर देता हूँ, ये मेरा बहुत पार हो जा रहा है ब्लैक के, जितना तक मेरा है उतना तक मैं देख लेता हूँ। यहाँ से फिर मैं चेक करता हूँ एक बार, इसको मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं देख जूम करें हैं? और थोड़ा सा इतना। ठीक है, और एक बार आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा था ये मेरा रोल बन गया। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।